बच्चों, अब आयु क्या है, व्हाट इज द मैट्रिक्स, और उसके उपयोग यूजेस को समझ लेने के पश्चात आयु के प्रकार को समझना हमारे लिए अच्छा होगा, उचित होगा। तो बच्चों, आयु के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम समझते हैं विकर्ण आयु, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। एक वर्ग आयु विकर्ण आयु डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब उसके मुख्य विकर्ण के अनुदिश समस्त अवयव जो है वो कांस्टेंट हो और अन्य जो अवयव हो वो शून्य होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 3 लिखा है, बी बराबर मैट्रिक्स में ये दो दो कोटि का, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, -2 0 और रो में हम पढ़ रहे हैं 0 3। इसी तरह से 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ए बी सी है। मुख्य विकर्ण मतलब लेफ्ट टू राइट डायगोनल विकर्ण के रूप में हम अवयवों को देखते हैं, वो कांस्टेंट है, ए बी सी नियतांक है, और बाकी समस्त अवयव आप सी मैट्रिक्स में देख रहे हैं वो 0 0 0 है। यानी सी मैट्रिक्स को यदि हम ठीक से पढ़ें, रो वाइज उनके अवयवों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए 0 0, और सेकंड रो में आप देख रहे हैं 0 B 0, और थर्ड रो में पंक्ति में आप देख रहे हैं 0 0 C। ये 3 कोटि का विकर्ण आयु है। तो बच्चों, आपने ये समझ लिया होगा कि विकर्ण आयु में उसके मुख्य विकर्ण जो हो के अवयव होते हैं वो अवयव कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, और बाकी समस्त अवयव उसको छोड़कर वो शून्य होते हैं। पहला वाला मैट्रिक्स एक ए 3 ऑर्डर का है, दूसरा वाला बी 2 कोटि का है, 2 कोटि का है, और सी जो है 3 कोटि का है। इस तरह से 4 कोटि का भी हो सकता है, 5 कोटि का भी हो सकता है। उक्त आयु का जो शॉर्टकट फॉर्म है, ये हमको टाइम लगेगा इसको लिखने में, तो शॉर्टकट फॉर्म है ए इज इक्वल टू, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ए बराबर DIAG, इसको पढ़ते हैं डी डायगोनल और ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में 3 लिखा है, और बी इज इक्वल टू जो आपने ऊपर फुल फॉर्म में देखा था उसका शॉर्टकट फॉर्म है डायगोनल -2 3। तो केवल कांस्टेंट एलिमेंट को हम लिख देंगे, ये मान के चलेंगे कि उसके बाकी अवयव शून्य हैं। इसी तरह से देखिए 3 ऑर्डर का जो विस्तृत रूप में ऊपर हमने बताया था उसका शॉर्टकट फॉर्म छोटे रूप में सी इज इक्वल टू डायगोनल DIAG लिखते हैं उसको, और ब्रैकेट में a, b, c आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब केवल कांस्टेंट एलिमेंट्स को हम लिख देंगे और मान के चलेंगे कि बाकी जो उसके अवयव हैं वो शून्य हैं। तो बच्चों, अब आइए हम यूनिट मैट्रिक्स, दशमलव आयु, इकाई आयु इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग आयु, ये वर्ग आयु होता है, और इकाई आयु तभी हो सकता है जब उसके मुख्य विकर्ण के अनुदिश सभी अवयव एक हो, अंकों में एक हो, और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। यह हम उसको इस रूप में पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि I1 बराबर, आप देख रहे हैं 1, I2 बराबर, आप देख रहे हैं 1 0, रो वाइज पढ़ रहा हूं, फर्स्ट रो में 1 0 0 1, यानी इसके मुख्य विकर्ण के अवयव आप देख रहे हैं 1 1 है, और वो 2 ऑर्डर का है, और पहला वाला जो I1 है केवल 1 लिखा है, तो वो 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी तरह से I3, इसको सामान्य रूप से I ही लिखते हैं, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट डायगोनल में विकर्ण के अनुदिश अवयव एक 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 है, और बाकी शेष अवयव शून्य 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 है।
तो बच्चों ये हम शॉर्टकट में वर्ग आयु को यदि वो ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का एन इंटू एन कोटि का इकाई आयु तभी कहलाता है जब आप देख रहे हैं कोड फॉर्म में ए बेस में आई जे बराबर वन यदि आई बराबर जे, और जीरो कब होगा जब आई यदि आई इज नॉट इक्वल टू जे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुनः ध्यान दीजिए, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं कि ये इकाई आयु यानी यूनिट मैट्रिक्स ए आई जे ये उसका एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का, स्मॉल ए आई जे बेस में ए आई जे लिखा है, इक्वल टू वन होगा यदि आई बराबर जे हो, और जीरो होगा यदि आई बराबर नॉट इक्वल टू जे हो। और जबकि हम मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स को शॉर्टकट में शो कर रहे हैं ए बराबर इन ब्रैकेट ए आई जे और ब्रैकेट क्लोज एन क्रॉस एन। तो उसके एग्जाम्पल को भी आपने देखा। ध्यान रहे बच्चों कि आई वन का जो डिटरमिनेंट है वो एक होगा, आई टू का भी डिटरमिनेंट एक होगा, और आई थ्री का भी डिटरमिनेंट एक होगा। और आई वन आई टू आई थ्री को से मैं इसको शो कर रहा हूँ यूनिट मैट्रिक्स को इकाई आयु को, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि ये एक कोटि का है, आई टू दो कोटि का वर्ग आयु यूनिट मैट्रिक्स है, और आई थ्री जो है तीन कोटि का यूनिट मैट्रिक्स है। और शॉर्टकट में फिर हम बात कर रहे हैं आई वन बराबर डायगोनल, भी हम इसको शो करें डायगोनल डी आई ए जी और ब्रैकेट में वन, आई टू इज इक्वल टू डायगोनल डी आई ए जी ब्रैकेट में वन वन। बाकी शेष एलिमेंट की आवश्यकता लिखने की नहीं है। और शॉर्टकट में हम आई थ्री को यदि लिखते हैं तो डायगोनल वन वन वन, ये तीन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। तो बच्चों यूनिट मैट्रिक्स के बारे में आपने ये कुल मिला के समझा कि इसके मुख विकर्ण के अनुदिश जो है वो अवयव है वो एक होते हैं और बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं। तो खास बात क्या हुई कि यूनिट मैट्रिक्स ये एक वर्ग आयु होता है, और इसका जो डिटरमिनेंट यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो चाहे वो एक ऑर्डर का हो, चाहे दो ऑर्डर का हो, चाहे तीन ऑर्डर का हो, उनका डिटरमिनेंट हमें का मान जो है एक मिलेगा। तो यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यूनिट मैट्रिक्स समझ लेने के पश्चात हम अदिश आयु स्केलर यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं। तो तीसरे प्रकार में हम बच्चों समझते हैं वो है अदिश आयु स्केलर मैट्रिक्स। एक वर्ग आयु अदिश आयु तभी कहलाता है जब उसके मुख विकर्ण के अनुदिश सभी अवयव समान हों और कांस्टेंट हों। शॉर्टकट में इन शॉर्टकट में मैं यदि बात कहूं तो एक वर्ग आयु ए बराबर ए आई जे है ब्रैकेट में, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एन क्रॉस एन लिखा है उसके बेस में, वो एन कोटि का एक वर्ग आयु है। और यदि ये अदिश आयु तभी होगा जब इसके अंदर का जो एलिमेंट है ए कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे लिखा है, स्मॉल ए आई जे, तो स्मॉल ए आई जे बेस में ए आई जे है वो अवयव है बच्चों, और वो अवयव बराबर है के जब आई बराबर जे हो। फिर से समझिए ध्यान से कि यदि ए एलिमेंट है ए आई जे बेस में ए आई जे लिखा है बराबर के है जब आई बराबर जे हो, और जीरो है जब आई बराबर नहीं है जे के, आई इज नॉट इक्वल टू जे, जहां के एक कांस्टेंट है नियतांक है। तो बच्चों अदिश मैट्रिक्स में जो पहले यूनिट मैट्रिक्स में केवल एक आता था, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया है। तो फर्क सिर्फ अदिश
आयु में यानी स्केलर मैट्रिक्स में यही है। कुल मिला के हम ये समझ रहे हैं ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल के अंदिश जो अवयव है वो एक न होकर के है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, पांच हो सकता है, माइनस छह हो सकता है, और बाकी शेष अवयव उसके जीरो होंगे। यानी ये वर्ग आयु होगा और इसके डायगोनल के अनुदिश जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, वो समान होंगे और कांस्टेंट होंगे। जैसे एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक मैट्रिक्स है ए बराबर दो, ये एक कोटि का, एक ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल का एलिमेंट एक ही है दो, और बाकी शेष अवयव की बात ही नहीं उठती क्योंकि ऑर्डर ही उसका एक है। बी बराबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों माइनस वन डायगोनल के अनुदिश अवयव समान है, माइनस वन और बाकी शेष अवयव शून्य शून्य दिखाई दे रहे हैं। बी बराबर रो में, फर्स्ट रो में पढ़ रहा हूँ माइनस वन जीरो, और सेकेंड रो में पढ़ रहा हूँ जीरो माइनस वन। इसी तरह से सी भी एक प्रकार का अदिश आयु कहलाएगा क्योंकि मुख्य विकर्ण के अनुदिश अवयव कांस्टेंट में ए ए ए स्मॉल ए ए ए लिया गया है और बाकी शेष अवयव रिमेनिंग एलिमेंट्स उसके जीरो हैं। ध्यान दे ए बराबर हम टू लिख रहे हैं, यदि मैं टू कॉमन निकाल लूं तो अंदर मैट्रिक्स में वन बचेगा, और मैट्रिक्स में वन है तो वो यूनिट मैट्रिक्स है, तो वन आप पहले यूनिट मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो, तस्मक इकाई आयु में पढ़ चुके हो कि वन ब्रैकेट में लिखा है मतलब वो आई वन है, इकाई आयु है, तो टू आई वन, ए बराबर टू आई वन, ए बराबर ब्रैकेट में टू है तो दो बाहर निकाल लीजिए, अंदर एक बच गया है, दो आई वन हम उसको लिख सकते हैं ए बराबर। फिर बी बराबर आप ये भी एक अदिश आयु है माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, तो माइनस वन कॉमन निकाल लीजिए, तो सभी मैट्रिक्स के सभी अवयव में वो कॉमन होना चाहिए, तो जीरो में माइनस वन तो कॉमन रहेगा ही, तो माइनस वन कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर जो मैट्रिक्स बचेगा वो वन जीरो फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में जीरो वन, तो डायगोनल में अवयव हमको एक एक दिखाई दे रहे हैं, तो स्पष्ट है कि ये दो कोटि का इकाई आयु है, तो माइनस वन सामने है तो माइनस आई टू होगा, आई टू का मतलब दो ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। और सी बराबर मैंने ऊपर जो एग्जांपल लिया है उसमें मुख्य विकर्ण के अनुदिश अवयवों को ए ए ए स्मॉल ए ए कहा है, तो स्मॉल ए कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि समस्त अवयव के साथ वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो अंदर जो डायगोनल के अनुदिश जो एलिमेंट्स बचेंगे, अवयव बचेंगे, वो वन 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 होंगे क्योंकि ए का गुणा वन से करेंगे तो वन ही आएगा, ए आएगा, और ए का वन से गुणा करेंगे ए आएगा, ए का वन से गुणा करेंगे ए आएगा, और बाकी शेष अवयव ए का जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, तो ए कॉमन दिख रहा है बच्चों। तो मैट्रिक्स में इस विशेष ध्यान देंगे, यही अंतर है डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में तो एक रो एक कॉलम से हम कॉन्स्टेंट को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में समस्त अवयव के साथ वो उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जैसे कि आप सी बराबर ए ए ए डायगोनल में लिखा है, बाकी जीरो 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 है तो उसमें ए कॉमन दिख रहा है, तो ए कॉमन निकल कर मुझे अंदर जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो तीन कोटि का है, जिसके डायगोनल के अनुदिश जो एलिमेंट्स हैं अवयव हैं वो वन 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 है, तो निश्चित रूप से वो जो मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ए बाहर है और वो आई थ्री है। आई थ्री का मतलब तीन कोटि का, तीन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। तो स्पष्ट है कि दो आई वन बराबर दो दिख रहा है आपको, और माइनस आई टू बराबर बी दिख रहा है, और ए आई थ्री बराबर आपको सी दिख रहा है। अतः इकाई आयु यूनिट मैट्रिक्स में किसी नियतांक का गुणा कर दिया जाए तो वह अदिश आयु में बदल जाता है।
तो इस एक्सपेरिमेंट से जो स्क्रीन पर आपने देखा बच्चों, इससे हमने ये सीखा कि इकाई आयु में यूनिट मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो वह अदिश आयु में बदल जाता है। ये जो ऊपर जो मैंने डिस्कस आपके साथ किया और आपने स्क्रीन पर ध्यान से समझा, उक्त पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि अदिश आयु स्केलर मैट्रिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि चर्चा से हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक अदिश आयु इकाई आयु हो सकता है, कोई भी अदिश आयु यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, परंतु प्रत्येक यूनिट मैट्रिक्स इकाई आयु तत्समक आयु जो है अदिश आयु नहीं हो सकता है। तो बच्चों स्पष्ट हो गया आपको कि अदिश आयु जो है यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, इकाई आयु हो सकता है, लेकिन प्रत्येक इकाई आयु जो है वो यूनिट प्रत्येक इकाई हुई स्केलर आयु नहीं हो सकता है। तो बच्चों आपने अदिश आयु और यूनिट मैट्रिक्स तत्समक आयु जिसको इकाई आयु कहते हैं उसको अच्छे से समझ लिया। इसकी प्रश्नों में काफी आवश्यकता है, इसलिए मैं विशेष ध्यान देने के लिए आपसे ये बात कह रहा हूं। तो बच्चों अब आपने जब इकाई आयु और अदिश आयु को अच्छे से समझ लिया, तो शून्य या रिक्त आयु जीरो या नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, इसको हम सोचें कि ये किस प्रकार का आयु है। तो चौथे प्रकार में, आयु के प्रकार में हम शून्य या रिक्त आयु जीरो और नल मैट्रिक्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक आयु शून्य आयु तभी हो सकता है जब उसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। ध्यान रहे, शून्य आयु वर्ग आयु भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां मैंने नहीं कहा आपसे अब तक इकाई आयु में अदिश आयु में मैंने आपको कहा कि वर्ग आयु होना चाहिए, लेकिन शून्य या नल मैट्रिक्स, रिक्त आयु जीरो मैट्रिक्स को मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि ये वर्ग आयु भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उदाहरण के रूप में हम m इंटू n कोटि के शून्य आयु को कैसे नोट करेंगे, कैसे कोट करेंगे, आयु ओ कैपिटल ओ लिखेंगे और बेस में m क्रॉस n लिखेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या सिंपली कैपिटल ओ लिख देंगे। जो कैपिटल ओ है वो शून्य आयु को निरूपित करता है। और वैसे भी आप बच्चों जानते हैं कि मैट्रिक्स को, आयु को कैपिटल लेटर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अवयव को स्मॉल लेटर में उपयोग में करते हैं। तो यहाँ चूंकि मैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स शून्य आयु के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें जो अवयव लिखा है वो ओ नहीं है, जीरो है। और दो ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, जीरो जीरो जीरो, सारे एलिमेंट उसके जीरो है, दो कोटि का है, वो भी ओ नल मैट्रिक्स है। और एक तीसरा प्रकार का स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जीरो जीरो, वो वन इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट है जीरो जीरो, अवयव जीरो जीरो है, ओ नहीं है, जीरो जीरो। तो बच्चों ओ में और जीरो जीरो में आप ध्यान रखेंगे, ओ उसका कोड है नल मैट्रिक्स का और जीरो उसका एलिमेंट है, तो उसके सारे अवयव जो उसके अंदर है मैट्रिक्स में वो जीरो होंगे, तभी वो शून्य आयु होगा। तो एक और मैं मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपके समझ को डेवलप करने के लिए, वो टू इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें रो वाइज, रो वन में फर्स्ट रो में फर्स्ट पंक्ति में मैं पढ़ रहा हूँ जीरो जीरो जीरो, और फिर सेकेंड रो में जीरो 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 पढ़ रहा हूँ, इसके सभी अवयव शून्य हैं।
तो इसको हम इन सारे जो एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सुन आयु के उदाहरण।